मामला क्या है? मामला यही है कि मैंने उसको उपकार किया, उस लड़का का एक्सीडेंट हुआ और हमको सूचना मिली कि एक्सीडेंट हुआ है। मैंने उसके घर वाले लोगों को ले कर हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल जाने के बाद में दवा का दुकानदार को हमने बोला कि मेरे मोहल्ला का लड़का का एक बढ़िया लड़का है, उसको एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट का सूचना मिला हमको, लड़का लोग वहाँ से दिया कि आपके घर का बगल का गोल्डन कुमार लड़का है। मैंने उसके घर परिवार के लोगों को सूचना दिया और सूचना देने के बाद में मैंने उस परिवार के लोगों को लेके हॉस्पिटल तक गया और उसके बाद में वहाँ जाने के बाद पता चला कि गोली लगा हुआ है। गोली लगा हुआ है तो हम लोग को पता चला भाई कहाँ तक, मैंने कहाँ गोली लगा हुआ है। तो उस जगह तक हम लोग पहुँचे, एक अरविंद कुमार पत्रकार के साथ हम उनके बाइक पर गए और वहाँ हम लोग गए तो देखे कि दो ठो खोखा पुलिस पाई हुई है। तो हम लोग को जानकारी हुआ कि भाई गोली लगा हुआ है। लड़का अच्छा था, उस परिवार से हमको संबंध भी अच्छा था। अरे सौभाग्य का बात है कि उसका पिताजी को मैंने अपने गाड़ी में बैठा करके उसको ट्रीटमेंट करा के उसका जिंदगी मैंने दिया था। उस लड़का का अनुकंपा पर मैंने 50,000 रुपया दे करके मदद किया था और मैं अपनापन समझ करके गया। मैं सभी लोगों से अपील करूँगा, इस तरह का अगर किसी को घटना घटे तो वहाँ थूक दे और थूक करके आगे बढ़ जाए। चूँकि कारण ये है कि यही जो सजाएं हम काट रहे हैं और मेरे ऊपर, मेरे बेटा के ऊपर, मेरा 80 साल का पिता के ऊपर, जो कि मेरा बेटा नौकरी करता है गुड़गांव में, उसके ऊपर भी FIR नेम्ड किया गया है साजिश के तहत। अब पुलिस अपना जांच करेगी। जमीनी विवाद बताया जा रहा है कि नहीं, नहीं, उसको भी जांच करे कि हमसे किस तरह का जमीनी विवाद है। हम तो एक पत्रकार पर केस करेंगे, उसका क्या नाम है, कौन 9 तक बिहार जो चलाता है, उस पत्रकार पर हम केस भी करेंगे कि हमको जमीन का व्यवसायी बताया है। हम क्लास 1 का कंट्रेक्टर हैं, गवर्नमेंट कंट्रेक्टर। मुरे चौधरी जी, जो परिवार वाले हैं उन लोग का आरोप है कि इसमें आपकी सहभागिता हो सकती है। परिवार वाले लोग को आरोप नहीं है, उसको कराया जा रहा है, उससे करवाया जा रहा है। कोई लोग लगे हैं क्या? हाँ, पीछे लगे हुए हैं लोग, हमें पता है। एक दलाल किस्म का आदमी है जो कि लगा हुआ है। भगवान माफ नहीं करेंगे। पहले से कुछ हम तो कष्ट करने, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, हमसे कुछ नहीं। अगर होता, अगर हम गोली चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं, हम 57 साल का आदमी गोली और बंदूक चलाने वाले व्यक्ति लगते हैं। जमीन था जिसमें अब कोई अपना मुंह को खूंटा में लाकर चीरे तो उसको हम रोकेंगे जी? उसको पुलिस जांच करेगी ना कि भाई कौन है, जमीन का विवाद है, कहाँ का विवाद है, कैसा विवाद है। हम तो बार बार पब्लिक से, सिवान के पब्लिक से अपील करेंगे, इस तरह का घटना हो तो इस तरह का कदम आप लोग ना उठाएं, जो कि हम सजा भोग रहे हैं, इस तरह का आप भोगिएगा। मेरा क्या कसूर, मेरा क्या गलती? मैंने उस लड़का के लिए दवा बीरो ट्रीटमेंट सबके लिए हमने प्रयास किया और किसी के कहने पर गुमराह होकर के हम पर FIR। और मेरा पिताजी 80 साल के हैं जो कि जमशेदपुर में बसते हैं, जमशेदपुर हैं और गुड़गांव में हैं। अभी कल से जो न्यूज चल रहा है उसमें दिखाया जा रहा है कि जो गोल्डन कुमार की जो अरे कुछ दलाल न्यूज वाले हैं जो कि चला रहे हैं, जो दलाल न्यूज वाला है, जो घुसखोर है, दलाल है, वही चला रहा है, वही चला रहा है। आपका मांग होगा पुलिस कप्तान से, हमको न्याय की मांग है और हमें उम्मीद भी है कि अगर दोषी हैं तो कठोर से कठोर सजा दिया जाए। अगर निर्दोष हैं, अगर निर्दोष हैं, उनके कलम में निर्दोष हम पाए जाते हैं, तो जो हम पर किया है उसको कठोर से कठोर सजा दिया जाए। उनको भला भगवान भला करेंगे। अगर मेरे साथ जिस तरह का अन्याय हुआ है, उस तरह का बर्दाश्त से बाहर का अन्याय है। आखिर वो कौन लोग हैं जो आपके पीछे इस अरे भाई दलाल किस्म का आदमी है ना, मेरे बगलगीर का, राजनीति से प्रेरित होकर के और मुझे फंसाया गया। मेरा बेटा क्या दोषी है, हम क्या दोषी है, मेरा 80 साल का बाप क्या दोषी है? मैंने उससे पूछिएगा, उसका बीबी से पूछिएगा, ये तो जो किया है केसवा ना, ये तो दूध पी रहा था उस समय, जिस समय उसका बाप को हड्डी गल गया था ना, तो कोई पूछने वाला नहीं था। अगर असल होगा ना तो बताएगा कि हम उसको अपने गाड़ी में लाद करके और मैंने ट्रीटमेंट करवाया अपना पैसा लगा करके। मैं उसके साथ क्या किया हूँ? मेरे साथ कौन सा जमीनी विवाद है जो कि दिखा रहा है चैनल वाला? कौन सा विवाद है? उससे पेपर मांगिए कि मेरा कौन जमीन से, हमसे जमीन से संबंधित है। ये तो बनाया जा रहा है, बना करके हमको घिसीटा जा रहा है। इसको ऊपर वाला माफ नहीं करेंगे। अच्छा लड़का था, सिवान सदर अस्पताल सब वहाँ भी मौजूद थे। अरे वहाँ तो सर हम मौजूद थे, वहां से जहाँ गोली लगा था वहां भी हम लोग गए। बोले ना अरविंद कुमार पत्रकार के गाड़ी पे बैठ करके हमने भी गया। मैंने कल से खाया नहीं था, हम BP का पेशेंट हैं, हार्ट का पेशेंट हैं, शुगर का पेशेंट हैं। तब तक मैंने, कल तक हमने नहीं खाया था, मेरा शुगर भी बढ़ा हुआ।
अब तो प्रशासन के शिकंजे में आप आ चुके हैं, क्या कुछ अपील रहेगा शिवान प्रशासन? मुझे कोई अपील कुछ नहीं है, जो प्रशासन करेगी न्याय करेगी और भगवान न्याय करेंगे, मुझे किसी से कुछ कहना नहीं है, जो होगा सामने देखा जाएगा। भगवान पर विश्वास है और मुझे न्याय पर विश्वास है, इसके अलावा मुझे किसी को कुछ नहीं कहना है। तरफ से कोई अपनी आप प्रूफ दिए हैं शिवान प्रशासन को? जी आप देंगे प्रूफ देंगे और कहेंगे प्रशासन से आकि मेरा बेटा का मोबाइल चेक किया जाए, टावर लोकेशन चेक किया जाए, मेरा पिता का टावर लोकेशन चेक किया जाए। आप उस समय कहाँ थे? कौन? हम तो इन लोगों के साथ थे ना, हमको पता चला। हम तो अपने बीबी के लोग के डॉक्टर विद्याभूषण के यहाँ थे। जैसे हम आए और बाथरूम में इनकी अब नहाने जा रहे थे, उसी समय घंटी आया, लड़का जो हॉस्पिटल लेके आ रहा था फोन किया कि चाचा आपके घर का बगल का गोल्डन का एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा उसके घर वाले लोग खबर कर दीजिए। भाई मेरा घर का पड़ोसी है, हम उसको खबर किए, उसके परिवार के लोगों को अपना गाड़ी से लेकर हॉस्पिटल गए। हमारा टावर लोकेशन किया जाए, मेरा सीसी फुटेज चेक किया जाए कि हम कहाँ हैं क्या हैं। उसका पिताजी को अब हम क्या बताएं नहीं बताएं, उसका अपना चाचा का दो दो लड़की का मैंने शादी किया है। मेरे अगल बगल में आप जाके पूछिएगा कि हम किस नेचर किस व्यवहार का आदमी है। सब वहाँ का गरीब आँख से आंसू गिरा रहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। आप जाके पता कीजिए कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। कुछ दलाल टाइप का जो मीडिया कर्मी है वो चला दिया कि हम क्या नाम है जमीन का कारोबारी है, उस पर केस करेंगे और प्रूफ देगा, वो प्रूफ देगा कि हम जमीन का कौन कारोबारी है, वो हमको प्रूफ देगा, तब छोड़ेंगे उसका जान। मैं केस करूंगा।